उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 7 वर्ष की मासूम बच्ची से बलात्कार का आरोपी जाकिर पुत्र साकिर थाना रामगढ़ जिला फिरोजाबाद उस समय पकड़ा गया जब वह कहीं भागने की फिराक में स्कूल के पीछे छुपा हुआ था। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली। यह देख आरोपी ने पुलिस पर फायर किया परंतु वह मिस हो गया। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया जिसका उपचार सरकारी ट्रामा सेंटर में चल रहा है। उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक मिस कारतूस बरामद हुआ है। देखिए दिनांक 25 मार्च 2024 को पीड़िता की बुआ द्वारा थाना रामगढ़ में एक बालिका के अपहरण एवं मारपीट का मुकदमा बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान इसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धारा की वृद्धि की गई थी। घटना के अनावरण के लिए इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था। तीनों टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों से CCTV फुटेज कलेक्ट किए गए। उसमें से एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में है जिसका नाम जाकिर सनाफ सगीर मोहल्ला हसमत नगर थाना रामगढ़ का रहने वाला था। आज विश्व सूत्रों से जानकारी मिली कि अबू हुरैरा स्कूल के पास में वो छिपा हुआ है। पुलिस पार्टी द्वारा उसकी घेराबंदी की गई तो पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में फायर किया गया जिसमें वो घायल हुआ। उसको तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।